नमस्कार, आप जेड प्लस देख रहे हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ है और हम लोग अभी एक परिवार जो है छठ पूजा कर रहे हैं, उनके घर पहुंचे हैं। हम उनके बारे में परिचय बाद में देंगे, पहले बता देते हैं लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। आज यहाँ लोग डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं, उससे पहले यहाँ पे ठेकुआ बनाने की परंपरा है। जो ठेकुआ जो बनता है वो सूर्य भगवान को प्रसाद के रूप में आज चढ़ाया जाता है। जो अर्घ दिया जाता है उसमें सूर्य भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तो आज इसी कड़ी में पटना में बहुत लोग छठ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग दूर देश से आए हैं, कोई विदेश से आए हैं, कोई अपने गांव से चलकर पटना में गंगा घाट पर छठ पूजा करने आए हैं। तो इसी कड़ी में एक्टर राजेश कुमार हैं, जो कि जाने माने चेहरा हैं ये एक्टिंग के फील्ड में, ये पटना आए हैं और ये पहली बार छठ कर रहे हैं। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर लोक आस्था के महापर्व छठ करने का ख्याल इनके दिमाग में कैसे आया और किस तरह से ये छठ को देख रहे हैं। नमस्कार सिद्धार्थ, नमस्कार। सबसे पहले बताइए कि छठ करने का ख्याल कहाँ से आया? ख्याल तो 2-3 साल से आ रहा था। कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि हमेशा ऑडियंस बनना ठीक नहीं है, कभी कभी स्टेज के ऊपर चढ़ करके एक्टिंग करने की भी ज़रूरत होती है। तो वहाँ से एक विचार अंदर से शुरू हुआ था, लेकिन पिछले साल हम कुछ कर नहीं पाए थे किसी कारणवश। लेकिन इस साल फिर मौका छोड़ना नहीं चाहा हमने और इस साल कर रहे हैं। तो पहला अटेम्प्ट है, जैसा कि बोल रहे हैं कि आज शाम का अर्घ है और कल सुबह ख़त्म हो जाएगा। तो जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है छठ का वो यही है कि निराजला रह करके पूजा करना पड़ता है और जितना हो सके कम बोलें ताकि मुंह ना सूखे। ये पहली बार आप छठ कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि आप ठेकुआ बना रहे हैं। हाँ, ये देखिए, ये ठेकुआ मतलब कभी पहली बार बना लिया, कभी देखा घर में बनाते हैं उसके बाद? नहीं, ऑब्वियसली देखा है, बचपन से देखते ही आए हैं। बीच के कुछ साल ये कड़ी छूट गई थी, लेकिन इस लेवल पे पार्टिसिपेशन पहली बार किया है। नहीं तो हमेशा चीज़ें हो जाने के बाद सिर्फ अर्घ दिलवा करके चले आते थे, तो जिम्मेदारी ज़्यादा उठाई नहीं थी। इस साल थोड़ी बहुत जिम्मेदारी उठाई है, अगले साल और हो जाएगा। तो अब ये है कि हर साल करने की चाह है, बाकी समय और जो बोले। ये पूछने वाले सवाल तो नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा कि ये मतलब आपका ये दूसरा दिन होगा, फास्टिंग है, सब कुछ है, कैसा फील हो रहा है अंदर से? क्या मतलब एनर्जी, वो किस तरह की एनर्जी मिल रही है? बॉडी काफ़ी लाइट है, पिछले 1.5 घंटे से इसी तरह इसी मुद्रा में बैठे हुए हैं। शरीर काफ़ी लाइट हो जाता है और हाँ, मतलब बाय द टाइम शाम होती है तो थोड़ा सा आपको एक एनर्जी बूस्ट अंदर से चाहिए होता है, लेकिन शरीर पहली बार बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इस समय मैं और शरीर दोनों अलग हैं। इस समय मुझे मालूम है कि मेरा शरीर क्या चाह रहा है और मुझे मालूम है कि मुझे शरीर को क्या देना है, क्या नहीं देना है। जैसे टेंडेंसी है शरीर की कि किचन की तरफ जाते ही पानी की तरफ हाथ बढ़ता है, तो अब वो ऑब्जर्वेशन में चला गया है कि अरे ये तो अपने आप बढ़ता है, तो इसको कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा, यू नो। सो देर आर मेनी थिंग्स विच यू कम टू नो वेन यू फास्ट। यू एक्चुअली जिस समय आप फास्ट करते हैं उस समय आप बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। अच्छा, आप बिहार की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, बिहार से आप, बिहार में आपका, बिहार में जन्म हुआ आपका? जी, बिहार में जन्म हुआ, रांची में जन्म हुआ, उसके बाद एक्टिंग में गए। कौन सी ऐसी बिहार की सबसे अच्छी चीज़ आपको लगती है जो आपको मुंबई से खींच करके यहाँ पे लाती है? नहीं, बिहार में बहुत कुछ अच्छी करने जैसा है जिसके लिए वापस आने की ज़रूरत है। जो उपलब्ध है, जो उपलब्ध है उसका बहुत मिसयूज हो रहा है, और जो उपलब्ध नहीं है वो उपलब्ध करवाने की अब ज़रूरत है। सो मतलब पिछले कुछ 20 साल 25 सालों में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत उत्थान हुआ है। आप चाहे बाढ़ के सिचुएशन को देख लें जो इसी बार आया है, तो कुछ कुछ चीज़ें आई अवेकनिंग है। बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड था, जहाँ पे लोगों ने उस ज़मीन को बेच करके आज घर बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत प्रॉपर नहीं है, लेकिन आबादी उसी रेशियो में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सो देर इज़ लॉट टू बी डन फॉर बिहार, और शायद खींच कर लाने की ज़रूरत नहीं है पूरे हिंदुस्तान। इनफैक्ट मतलब अब तो आदमी, हर आदमी ग्लोबल सिटीज़न है, कि कह देना कि मैं एकमात्र इसी जगह से हूँ बहुत ही संकुचित विचार है अपने आप को व्यक्त करने का। आई कंसिडर माई सेल्फ कि मैं सबसे पहले तो भारतीय हूँ, उसके बाद मैं बिहार से हूँ,
और पूरे भारत के लिए सोचना उतना ही ज़रूरी है जितना आज बिहार के लिए सोचना ज़रूरी है। अच्छा, जहाँ तक हमें पता चला कि आप ऑर्गेनिक खेती में भी कुछ इंटरेस्ट रखते हैं या कुछ खेती वेती की जी, चल रही है, तो वो चल रहा है। यहाँ पिताजी के साथ मिलकर के मैं जो गांव है वहाँ पे 17 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पर थोड़ी खेती शुरू की है। मॉडल फार्म बनाने की कोशिश की गई है। सहजन की खेती कर रहे हैं, 6,000-8,000 पेड़ लगाया हमने। और सेम उसी पद्धति पे इस समय मुंबई से 75 किलोमीटर दूर मैंने 100 एकड़ ज़मीन किराए पे लेकर के वहाँ 50,000 पेड़ लगाए हैं। और उसके अलावा अब कंप्लीट नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक भी नहीं, देसी गाय के गोबर और गौमूत्र को मिला करके खाद बना के उस पर खेती कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये तो सारी बात हो गई। आप बिहार से हैं, बिहार के गया के रहने वाले, आप बिहार के जनता को अपने भाषा में कुछ संदेश दीजिए, जो आपका यहाँ लोकल भाषा है, जो आप बोलते हों घर में बोलते होंगे। मगही हम लोग बोलते हैं, तो सबके यही कही थी कि बढ़िया से छठ मनावा, एक दूसरा के धक्का मुक्की ज़्यादा घाट पर ना दे, ताकि कोई जल समाधि ना ले ले। और छठ का ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार और छठी मैया का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। और बिहार, पटना, जनता, बिहार, जो भी इस माध्यम से मुझे देख रहे हैं, सबको मेरा ढेर 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 सारा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आप अर्घ कहाँ देंगे, छठ पे देंगे या गंगा घाट पे जाएंगे? नहीं, मैं गंगा घाट पे छठ अर्घ देने जा रहा हूँ। भद्र घाट है वहाँ जी, तो भद्र घाट में ही अर्घ देने का प्लान है। और बाकी तब तक आप लोग ये ठेकुआ जो बन रहा है गोल गोल प्रसाद के रूप में जरूर खाने आइएगा। अच्छा देखने मिलेगा। अरे अच्छा, बना रहे इतने प्यार से बना रहे थे। तो जैसा कि सुना, इन्होंने सब कुछ बताया, बिहार के बारे में बताया, यहाँ के जनता के बारे में बताया, और ये किस तरह से पूजा कर रहे हैं उसके बारे में बताया। और हम भी देख रहे हैं ये पूरी विधि विधान के साथ पूजा में इंटरेस्ट अपनी दिखा रहे हैं और बैठ कर भी ठेकुआ बना रहे हैं। तो बिहार में छठ को लेकर के हमारी जो कवरेज है वो लगातार जारी रहेगी, और आगे भी हम आपको अपने इस चैनल के थ्रू और भी वीडियोस दिखाते रहेंगे। घाट पे जाकर के अभी आपको वीडियोस दिखाएंगे, इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हमारे चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।